नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना को लेकर के ही आज भी विशेष एपिसोड है, जिसमें बताएंगे कि किन किन इलाकों में आज भी उल्लंघन करते हुए लोग सड़कों पर उतर गए। साथ ही साथ कुछ लोग तो जैसे ठीका ले रखे हैं कि वो किसी की भी बात नहीं सुनेंगे। कुछ लोगों ने अपने टी शर्ट पर हम नहीं सुधरेंगे जैसा स्लोगन लिखकर सड़कों पर उतरे। पुलिस ने भी ऐसे लोगों की खूब खबर ली। पुलिस जिन लोगों को पकड़ रही है उनके साथ वो फोटो भी खिंचवा रही है, पोस्टर बनवा करके खिंचवा रही है, जिसमें लिखा हुआ है कि वो कोरोना के मित्र हैं, वो समाज के दुश्मन हैं, वो समाज को जोखिम में डालना चाहते हैं। पुलिस के इस प्रयास से काफी लाभ हो रहा है, अब लोग सड़क पर निकलने से परहेज कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर स्पेन का हालत भी दिखाएंगे, स्पेन के बारे में बताएंगे आपको, अमेरिका की स्थिति क्या है, और भारत में इस समय जिस प्रकार से लोग घरों में हैं इससे क्या लाभ हो रहा है। कोरोना पर ही झारखंड से जुड़ी हुई तमाम खबरें होगी, जिसमें सबसे पहले आपको बता दें कि स्पेन के हालात अब बेकाबू हैं। हर 16 मिनट में एक व्यक्ति की मौत हो जा रही है। इसी प्रकार के हालत अमेरिका में भी उत्पन्न हो गए हैं, जहां पर प्रतिदिन 10,000 से ज्यादा लोगों का संक्रमण की खबर आ रही है। भारत में पंजाब की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। इस बीच झारखंड सरकार की एक चिट्ठी आई जो सुकून भरी थी। झारखंड में अभी तक एक भी व्यक्ति को कोरोना संक्रमित पॉजिटिव नहीं पाया गया है। अलग अलग क्षेत्र में कितने जांच हुए हैं सारी चीजों की जानकारी दी गई है। साथ ही साथ लगभग 600 लोग जो जमशेदपुर में दूसरे राज्य में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट लौटे हैं, जो लोग विदेश में रहते हैं वो आए हैं। ऐसे लगभग 600 लोगों पर सरकार की कड़ी नजर है। इनको खास तौर पर वॉच किया जा रहा है, इनसे मिलने किसी को नहीं दिया जा रहा है। कोरोना को लेकर सरकार ने अपील किया है कि किसी भी प्रकार की दहशत भरी खबर, किसी भी प्रकार की भावनात्मक खबर और किसी भी प्रकार की र्यूमर अफवाह वाली खबर को मत फैलाइए, क्योंकि इससे आप दूसरे की जान जोखिम में डाल दे रहे हैं। आज के समय में ये समझना होगा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने रिंगटोन चेंज कर दिया है। सरकार और प्रधानमंत्री स्वयं बार बार ये अपील कर रहे हैं। इसका साफ संदेश है कि आप घर के अंदर रहें। इस बीमारी पर तकरीबन 80% जीत हासिल हो जाएगी सिर्फ घर में रहने से। 20% ही जरूरत पड़ेगी सरकार को विशेष निगरानी करने की। यही कारण है कि भारत की आबादी को देखते हुए ये खास तौर पर निर्देश दिया गया है। उम्मीद है कि सारे लोग इसके पालन करेंगे। अब आपको ये जानकारी दे दें कि कोरोना से जुड़ी हुई जो कर्फ्यू की खबर है अलग अलग इलाके में, इसमें मेडिसिन, किराना दुकान, दूध, ब्रेड दुकान, फल सब्जी, अंडा मांस मछली दुकान खुले हुए रहेंगे। कृषि उत्पाद, अस्पताल, पेट्रोल पंप, तेल एजेंसी, होम डिलीवरी वाले, सभी होटल, बैंक, एटीएम, इंश्योरेंस, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सेक्टर, पोस्टल, ये सारे लोग को भी खोलने की अनुमति दी गई है। पास की जरूरत उन लोगों को होगी जो कंपनी के ड्राइवर हैं या ऑफिस कहीं पर जा रहे हैं, उनको कार्ड जरूरी होगा। पुलिस लोगों का इस्तेमाल जो लोग कर रहे हैं इस समय में निकलने के लिए कि घर से वो निकल जाएंगे, उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तो इस पर पुलिस ने कड़ा फटकार लगाया है। और कई लोगों को पुलिस जैसे मिलते जुलते ब्लू कलर और रेड कलर का प्रयोग करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। जमशेदपुर में 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, रांची में 10 से लेकर 1 बजे तक बैंक खुले रहेंगे। इस बीच में आप अपने काम बैंक के कर सकते हैं अगर बहुत जरूरी हो तो, नहीं तो आपको सारा काम डिजिटल या ऑनलाइन करना चाहिए। बाहर घूम रहे लोगों को अब पुलिस ने नया तरीका खोजा है। उनकी पिटाई भी की जा सकती है, वार्निंग भी दी जा सकती है और उन्हें पंपलेट पकड़वा करके हिदायत दिया जा रहा है कि आप के चलते पूरा समाज, आपका परिवार और देश खतरे में आ जाएगा। इसलिए इस वक्त आपको समझने की जरूरत है, घर में रहने की जरूरत है। बिना मतलब का घर बाहर निकल करके मास्क लगा लेने से ऐसा नहीं समझना है कि आप हीरो बन गए, और मास्क लगाकर पूरे शहर का भ्रमण करना दूसरे की जान को जोखिम में डालना है। 26 से मुख्यमंत्री कैंटीन योजना शुरू हो रही है 32 स्थान पर, जिसमें पैकिंग खाना मिलेगा 10 रुपये में, इसे घर ले जाकर के खाएंगे। और दाल भात योजना जो सरकार की है,
इसमें 5 रुपये में खाना मिलेगा, इसमें आप अपने घर से बर्तन लेकर के जाएंगे और खाना लेकर के अपने घर आ जाएंगे, आपको वहां पर खड़ा होकर खाना नहीं खाना है। ये हेमंत सोरेन ने निर्देश दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जहां जहां पर बाजार हाट लगता है उसे लगने दिया जाए, उस पर पूर्ण रूप से गांव में प्रतिबंध नहीं लगाना है। वही झारखंड के अनेक गांव में पोस्टर चिपका कर बाहर में बैनर लगवा कर यह कह दिया गया है कि किसी भी बाहरी का प्रवेश नहीं होगा। जो लोग दूसरे राज्य में रहते हैं वो इस वक्त गांव में वापस नहीं आ सकते। जो आ रहे हैं उनको गर्म पानी से, नींबू पानी से हाथ धुलवा कर, पैर धुलवा कर गाँव के अंदर प्रवेश करने के लिए दिया जा रहा है और उनको घर में ही रखा जा रहा है। ऐसा करने से गांव वाले उनकी जिंदगी के साथ साथ अपनी जिंदगी भी बचा रहे हैं। यही काम शहर के लोगों को भी करना चाहिए। इस समय बहुत सी कॉलोनी से खबर आ रही है कि लोग अभी भी मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करने से परहेज नहीं कर रहे। उनको लग रहा है कि सुबह में उनके घूमने से क्या दिक्कत हो जाएगी, लेकिन उनको समझना है कि जब भारत सरकार के प्रधानमंत्री स्वयं आकर हाथ जोड़कर विनती करते हैं तो मामला क्या हो सकता है। जमशेदपुर में दूसरे राज्य से 547 लोग आए हैं, विदेश का भी अगर मिला दिया जाए तो कुल 547 लोग हैं। इनकी जांच की जा रही है, इनको बाहर निकलने से साफ साफ मना कर दिया गया है। कोरोना पर सोशल मीडिया के ऊपर भी सरकार की नजर होगी कि आप किसी प्रकार की चीजों को मत फैलाइए, नहीं तो इससे दिक्कत और बढ़ जाएगी। सभी नवोदय विद्यालय को आइसोलेशन सेंटर बना दिया गया है। जितने भी नवोदय विद्यालय हैं उनको आइसोलेशन सेंटर बना देने से बहुत से मरीज जो इससे संक्रमण का खतरा होगा उनको वहां रख करके इलाज किया जा सकता है। रांची में एक मदरसा में 500 लड़कियों को हॉस्टल में जबरन रखने का मामला आया था, जो खाली नहीं करवाया गया था, उससे वहां पर पढ़ाई लिखाई का काम चल ही रहा था। पुलिस ने पूरे हॉस्टल को खाली करवा दिया। वर्तमान में सिर्फ 50 लड़की बची है। यानी कि पुलिस हर प्रकार से कोशिश कर रही है कि वह लोगों को समझाए, जहां जहां ऐसी दिक्कत महसूस हो उससे वो निपटने का तरीका सिखा दे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए समझना कि स्पेन की हालत इतना अधिक क्यों बिगड़ गया, हर 16 मिनट में एक व्यक्ति की मौत क्यों हो जा रही है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में 10 में से 8 लोग कोरोना की चपेट में आ गए हैं। यही कारण है कि कोरोना के लक्षण हल्के किस्म के हैं लेकिन देश की जनसंख्या के एक हिस्से के लिए बड़ी समस्या दे दी है। लगभग उसकी 15% आबादी को पूर्ण रूप से कोरोना हो चुका है और यही इस समय में लग रहा है कि यह फैल करके 70-80% में चला जाएगा। लोगों को यह भी समझना होगा कि चीन में मामला घट चुका है, थाईलैंड में आपातकाल लगा चुका है, ब्रिटेन में लॉकडाउन कर दिया गया है, नेपाल में भी हफ्ते भर के लिए लॉकडाउन है, यानी कि सब जगह लॉकडाउन की स्थिति है। चीन और इटली की बेहतरीन सुविधा थी हेल्थ की, स्पेन की बहुत अच्छी सुविधा थी। जब वहां पर हर 16-17 मिनट में व्यक्ति की मौत हो रही है, भारत में अगर ये संक्रमण फैल गया तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि 133 करोड़ वाली आबादी वाले देश में क्या कुछ हो सकता है। यही कारण है कि हर किसी को अपने जान के साथ साथ अपने परिवार की जान और अपने समाज, मोहल्ला, राज्य, हर किसी की जान के लिए सोचना पड़ेगा। उनको ये समझना पड़ेगा कि उनके लिए पूरा देश कीमती है और पूरे देश के लिए वह भी कीमती है। इसलिए आप जाने अनजाने में गलती मत कीजिए। सरकार के किसी आदेश को ठेंगा दिखा देना बहादुरी नहीं है। आप गर्भ से बाहर निकल जाते हैं, कोई बहादुरी नहीं है। आप लोगों से उलझ जाते हैं, पुलिस वाले से उलझ जाते हैं, इसमें कोई बहादुरी नहीं है। आपको समझना होगा कि सारा चीज आप लोगों के लिए किया जा रहा है। सरकार आपके लिए खड़ी है, दिन रात वो सोच रही है कैसे इस पर काबू पाया जा सके। जिस प्रकार से सोशल मीडिया में अलग अलग अफवाहें आ रही हैं, इस पर भी रोक लगाने की जरूरत है। क्या खाएं क्या नहीं खाएं, इसके लिए डॉक्टर हैं। सोशल मीडिया में हर कोई आज डॉक्टर बन चुका है। आपको समझना होगा कि ऐसी चीजों से और दिक्कतें बढ़ सकती हैं। हालांकि आप तो सुलझाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपकी ये गलती समाज पर भारी पड़ सकती है। इसी प्रकार से सोशल मीडिया में चल रहा हर दिन का एक एक मैसेज सरकार अब देखना शुरू कर दी है। सरकार को ऐसा लग रहा है कि इस मैसेज से लोगों को काफी दिक्कत हो सकता है। हम आपको जानकारी दे दें कि कोरोना को लेकर
WHO ने कई नंबर जारी किए हैं, भारत सरकार ने नंबर जारी कर दिया है, आप इस पर पूरी मैसेज ले सकते हैं, आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। अब हर लोग सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं और इसके चलते दिक्कतें उत्पन्न हो रही है। उम्मीद है कि आपको विश्लेषण अच्छा लगा।